हमारा मर्डर हो सकता है। अभी तक बिहार में 10 मुखिया का मर्डर हुआ और ये होगा, और इसमें थाना पुलिस भी जो है हमारे विरोध में है, क्योंकि भाई हमें दलाली नहीं आती। अगर मैं गलत हूँ तो हमारे ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर और मैं हूँ प्रीति। बिहार के एक मुखिया जी को जान से मार देने की धमकी मिल रही है। ये मुखिया जी काफी फेमस भी है। ये मुखिया जी बिहार के सहदेई के सलहा पंचायत से मुखिया है, जिनका नाम विपिन कुमार है। इनका खुद का एक YouTube चैनल भी है जिसका नाम है मैथ मस्ती। ये छात्रों के बीच में मैथ्स मस्ती वाले विपिन सर के नाम से काफी फेमस है और कई सारे छात्र इनके फैन भी है। अब इन्हें जान से मार देने की धमकी क्यों मिल रही है, कौन इनकी मर्डर की प्लानिंग कर रहा है और कौन कौन लोग इसमें शामिल है, इसके बारे में मैथ मस्ती वाले विपिन सर ने खुद ही बताया है, वो आपको दिखाते हैं। हमारे लिए हमारी मर्डर करने की भी प्लानिंग हो रही है, हमारी मर्डर करने की प्लानिंग हो रही है, और यहाँ पर जो बाहुबली हैं उनकी ये सोच है, इनकी मानसा है कि भाई ये बंदा पुलिस अधिकारी के खिलाफ हो जाए और उसके बाद जो है से हम अपना काम करें और हमारा मर्डर हो सकता है। अभी तक बिहार में 10 मुखिया का मर्डर हुआ है, जो नए निर्वाचित मुखिया बने हमारी भी मर्डर हो सकती है और इसमें कुछ लोग संलिप्त हैं और ये होगा, और इसमें थाना पुलिस भी जो है हमारे विरोध में ही होंगे, क्योंकि भाई हमें दलाली नहीं आती है। हमसे काम होगा या नहीं होगा कोई मतलब नहीं, लेकिन ना मैं बिकूंगा और ना हम समाज के लोग को बिकने देंगे। जिसको जो करना है करिए, और हमको नहीं पता है कि हम कितना बदलेंगे, कितना बदलाव ला सकते हैं, लेकिन हम अपने तरफ से प्रयास जरूर करेंगे। और आप सबको कहते, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि इस पर जांच होनी चाहिए, इस थाना पर जांच होनी चाहिए, थानेदार पर जांच होनी चाहिए, हर केस की जांच होनी चाहिए हर अधिकारी द्वारा। इस वीडियो को यहाँ के अगर DSP देख रहे हैं, SP को भेजा जाए, और मैं इस वीडियो को भेजूंगा मुख्यमंत्री तक, ये वीडियो जाना चाहिए और मैं खुद उनको टैग करूंगा। और आप लोग को जहां तक हो सके इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि हर जगह का समस्या यही है, लगभग जगहों का। कुछ जगह ऐसे होंगे जहां पुलिस ऑफिसर भी ईमानदार है, ईमानदारी से काम करते हैं, ईमानदारी से काम नहीं करते तो कोई अपराधी पकड़ाता नहीं, कुछ अपराधी भी पकड़े जाते हैं, पर गरीब लोग को, कमजोर लोग को सताने का जो ये सिलसिला चल रहा है, ये नहीं होना चाहिए। केवल पैसा से ही हमारा केस होगा, केवल पैसा हम देंगे तभी किसी को हम फंसा सकते हैं, पकड़ सकते हैं, नाजायज में पैसा देकर किसी को फंसा सकते हैं, ये सिलसिला नहीं होना चाहिए। अगर मैं गलत हूं तो हमारे ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, या कोई भी व्यक्ति अगर गलत है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। किसी भी केस के मामले में सही जांच होनी चाहिए, जांच नहीं होती है। आदमी 10-10 आदमी का केस में नाम दिया जाएगा एक आदमी को मारने के लिए और कुछ नहीं, और पैसा दीजिए तो केस खत्म है, नहीं पैसा दीजिएगा कुछ नहीं है, तो ये सिलसिला। और ये चीज मुझे लगता है कि लगभग जगहों का है, तो इसलिए आज सारे युवाओं से मैं कहूंगा कि भाई आप लोग समझिए, कल आप पर, परसों उन पर, आज हम पर, ये सब पर एक न एक ये चक्र चलते रहेगा। और ये भ्रष्टाचार जितनी बढ़ रही है हमारे, खासकर बिहार में इतनी भ्रष्टाचार बढ़ी हुई है कि सबको एक दिन न एक दिन इस लपेटे में आना है। कोचिंग से छात्रा निकलती है, सड़क पर गोली मार दिया जाता है। कहां से ये लोग आते हैं, कहां से ये हथियार लेके घूमते हैं रास्ते में, कैसे गोली मार देता है? इन्हें पकड़ने की ताकत नहीं होती पुलिस की, ये नहीं पकड़ पाएंगे। और हाँ, अगर किसी से दुश्मनी निकलवानी हो, निकालनी हो इसी केस में, तो जबरदस्ती उसको फंसाया जाएगा। लेकिन वो अपराधी जो पिस्टल लेके घूमते हैं सड़क पर, डेली मर्डर होता है इस इलाके में। अभी महुआ थाना की घटना है, छात्रा निकलती है, 18 वर्षीय छात्रा कोचिंग से निकलती है, रोड पर जा रही है, अपराधी दिन दहाड़े खड़ा होकर उसे गोली मार देते हैं। ये चीजें यहां चलती है, उन्हें पकड़ने के लिए सबके पास ताकत नहीं, जो गोली मारेगा उनको ताकत नहीं है। लेकिन हो सकता है कि इसमें अगर किसी को फंसाना है जबरदस्ती तो फंसा दिया जाए, तो ये चीजें चल रही है। लेकिन मैं जब तक यहां हूं, किसी के खिलाफ गलत नहीं होगा, मेरे लिए सभी जनता एक समान है। राजनीति अलग चीजें हैं, राजनीति में हार जीत सबकी होती है, और जो जीता उसे भी और हारा उसे, सबको अपना अपना
हिस्से का चीज एक्सेप्ट करना चाहिए, अगर नहीं करते हैं तो भाई ये गलत है, आपको करना पड़ेगा। और राजनीति षड्यंत्र के तहत किसी भी व्यक्ति को फंसाना ये गलत बात है। आज अगर मैं मुखिया हूं तो मैं सबके लिए बराबर हूं, सब मेरे लिए एक समान है। हमारे पास कोई भी अपनी न्याय मांगने के लिए आते हैं, वो चाहते हैं कि मुझे न्याय मिले और उनको मिलना चाहिए। जिन्हों जो मेरा वोटर होंगे वो भी, नहीं होंगे वो भी, क्योंकि जनता तो है वो यहाँ के। और क्या जरूरी है कि एक ही व्यक्ति को सारे वोट मिलेंगे? हमें हार जीत सब मंजूर होना चाहिए। हम यहाँ के DSP साहब, SP साहब और खासकर ये वीडियो मुख्यमंत्री जी को भी टैग किया जाएगा, अगर वो इस वीडियो को देखते हैं तो कोई भी केस होता है इस तरह का तो उसमें थोड़ा सा आप लोग इसे थाना को सुझाव दीजिए कि भाई केस को जांच पड़ताल करके तब FIR कीजिए। और बेवजह गुनाह, जो गुनाहगार नहीं है उसको बेवजह मत धकेलिए और एक अच्छे व्यक्ति को गलत रास्ते पर जबरदस्ती खींच के मत लाइए। तो आपने सुना मैच मस्ती वाले विपिन सर की बातों को, उन्होंने बताया कि वो झुकने वालों में से नहीं है, उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है और जो बाहुबली है वो उन्हें जान से मारना भी चाहते हैं और इसके लिए उन्हें जो पुलिस है उनके खिलाफ भी किया जा रहा है और कभी भी उनका मर्डर हो सकता है। उन्होंने बताया कि अब तक बिहार में कई नव निर्वाचित मुखिया की हत्या करवाई गई है और उनकी भी हत्या करवाई जा सकती है और ऐसे में उन्होंने खुद ही ये वीडियो जारी किया है और बताया है कि वो गलत का साथ कभी नहीं देंगे। अब इस वीडियो जारी होने के बाद आगे क्या कुछ होता है वो देखना खास हो जाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही, आप बने रहे न्यूज़ PR के साथ। धन्यवाद।